शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट के नेता और जिला प्रशासन से तीखी नोकझोंक। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, छोटे व्यापारियों का जनाक्रोश, जमकर किनारेबाजी। कहा, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का शोषण कर रही है। जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी से तीखी नोकझोंक हुई। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट ने अपनी पार्टी कार्यालय से भीड़ के साथ किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं एवं छोटे व्यापारी जन आक्रोश प्रदर्शन करते हुए पटेल चौक खंड पर कटरा चौक, चांदनी चौक होते समाहरणालय के मुख्य गेट तक पहुंचे। समाहरणालय गेट पर प्रदर्शनकारियों से जिला प्रशासन की तीखी बहस हुई। जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी से तीखी नोकझोंक हुई। समाहरणालय गेट से मेन रोड तक प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। मुख्य सड़क पर प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गई। सभा की अध्यक्षता जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे ने तथा संचालन धर्मराज कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का शोषण कर रही है। हमारी पार्टी बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर के खिलाफ है। आप आंदोलन करेंगे तो बिहार सरकार को स्मार्ट मीटर लगाना बंद करना पड़ेगा। भाकपा के राज्य नेता सीताराम शर्मा ने कहा कि शेखपुरा जिला समेत संपूर्ण बिहार में अपराध के ग्राफ काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रही है, जिसको संभालने में बिहार सरकार अब अक्षम साबित हो रही है। हाल ही में इसी जिले के हमारे पार्टी के जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि घाट को संभा प्रखंड को जल जमाव की जगह बाढ़ क्षेत्र घोषित करना अति आवश्यक हो गया है। जो किसानों का फसल नष्ट हुआ है उन्हें उचित मुआवजा देते हुए बड़े पैमाने पर किसानों को शुद्ध रहित ऋण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करे सरकार और प्रशासन। देखिए, हम प्यार मोहब्बत के साथ शेखपुरा पार्टी कार्यालय से निकले, कलेक्टरियट के मुख्य द्वार पर आए। बड़ाऊ ने कहा प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। SDO आते ही कहा धमकी देते हुए, नेतागिरी करते हो ठीक कर देंगे। SDO साहेब, ये शेखपुरा है, यहाँ लाल झंडा जब निकलता है तो आपके धमकी से डरता नहीं है। आप ठीक कितना को करिएगा, आप खुद ठीक होकर के यहाँ से जाइएगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी की समझ है, हमारा मांग है। हमने समझा जिला अधिकारी अच्छे आए हैं, जनता से मिलना चाहते हैं। हमने कहा जब दरोगा जी कहे तो मैंने कहा 7 आदमी प्रतिनिधिमंडल चलेंगे, लेकिन SDO आके आते ही गाली दे दिए हमको। क्या ये बदतमीज SDO, ये तो बदतमीज SDO जिस तरह से बात की है, ऐसा अफसर कोई नहीं बात कर सकता है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी अब लगातार धरना पर बैठ गया कलेक्टरियट गेट पर, और हम बैठेंगे, रात में भी खिचड़ी चोखा बनेगा और यहीं रहेंगे। SDO को जब तक निलंबित नहीं करेगा, SDO पर कार्रवाई नहीं होगा, कम्युनिस्ट पार्टी धरना पर बैठे रहेगा। ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। अरे भाई, मेरा मांग था जो भूमि का सर्वे हो रहा है बड़े पैमाने पर रुपया लिया जा रहा है, स्मार्ट मीटर में बड़े पैमाने पर गरीबों को, अमीरों को चूना लगाया जा रहा है। हमारा मांग है गरीबों का पार्ट जिसमें ज़मीन का, हमारा मांग है घाट को समा प्रखंड को जो जल जमाव क्षेत्र घोषित किया है वह क्षेत्र को हम लोगों ने कहा है बाढ़ क्षेत्र घोषित करो, और जिन लोगों का फसल डूब गया, ख़त्म हो गया, उनको उचित मुआवजा दो। हम लोगों ने कहा है बुढ़वा बुढ़िया का पेंशन, राशन कार्ड। राशन कार्ड की बात, SDO साहब का नीयत खराब है। बड़े लोगों को राशन कार्ड दिए हुए हैं, बड़े लोगों को आसान ये राशन देते हैं और गरीबों को वंचित कर रहे हैं। इसलिए SDO साहब, अब की बारी आपकी, अब की बारी आपकी, आप समझ लो। हम चेतावनी देते हैं, समझदारी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि आप इसमें सुधार लाए, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी है ये डरता नहीं है, केस मुकदमा जेल लाठी और डंटा से। कितना डंटा हमको पड़ा विधानसभा के अंदर, आपने देखा कलेक्टरियत तोड़े हैं। इस बार भी अभी कलेक्टरियत तोड़ रहा था साथियों ने, इसी बीच हमने कहा रुको भाई SDO साहब आ रहे हैं। हम तो बाईजत कहा कि SDO साहब आ रहे हैं, लेकिन SDO आते ही हमको ठीक करने का धमकी दे दिए। अब बताइए, आप ही पत्रकार भाई हैं, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? हम मांग पत्र तैयार करे हैं, किए हैं, DM साहब हमसे मांग पत्र लेंगे, हम देंगे, और वो हमको धमकी दे दिए। तो भाई हमको तो 3-4 बार गोली चल गया SDO साहब, और गोली से भी भून दीजिएगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा। कम्युनिस्ट पार्टी झंडा शहीदों का झंडा रहा है, हम मरेंगे भगत सिंह के, हम अनुयायी हैं, मरेंगे, झुकेंगे नहीं। ये हम आपके मार्शल बता रहे हैं।